आज हम एक्सटर्नल ईयर के एनाटॉमी का सेकंड पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसमें एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल का बोनी पार्ट इस्थमस होता है। इसमें इस्थमस किसकी तरह एक्ट करता है? बड ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की तरह, यानी कि ये ना टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को प्रोटेक्शन देता है। अगर फॉरेन बॉडी अंदर चली जाती है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के, तो भी वो इस्थमस को क्रॉस नहीं कर पाती है जल्दी से। और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को चाहिए कि वो इस्थमस के बियॉन्ड जाए अगर फॉरेन बॉडी उसके अंदर चली गई है तो। और सब कुछ ये लाइंड होता है ना एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल का स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम से, यानी कि स्किन का जो एपिथेलियम होता है उससे। और बोनी पार्ट में कोई हेयर फॉलिकल्स नहीं होते हैं जिसकी वजह से सिवियर इंजरी हो सकती है। बहुत थिन स्किन होती है क्योंकि वहाँ पे मियाटल विसेस होता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के पास। तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में जो परफोरेशन होता है, तो वो अगर ड्राई दिख रहा है तो हो सकता है कि यहाँ मियाटल रिसेस पे कलेक्टेड हो पस वगैरह। बोनी पार्ट में ना डेफिशिएंसीज होती है कुछ, तो डेफिशिएंसीज को क्या बोलते हैं? फोरामेन ऑफ हशके। और इन्फेक्शन वहाँ से बेस ऑफ स्कल में जा सकता है या पैरोटिड में जा सकता है, या फिर बेस ऑफ स्कल या पैरोटिड से वापस यहाँ पे भी आ सकता है इन डेफिशिएंसीज के थ्रू। कार्टिलेजिनस पार्ट में जो डेफिशिएंसी थी वो थी फिशर्स ऑफ सेंटोर्नी, तो उसी का काउंटर पार्ट यहाँ पे बोनी पार्ट में भी है, दैट इज फोरामेन ऑफ हशके। तो ये फोरामेन ऑफ हशके जो है ना वो डिसअपियर हो जाता है 4 to 5 years ऑफ एज में, तो इसीलिए ये उतना डेंजरस नहीं होता है। इसीलिए इन्फेक्शन जो है ज़्यादा कॉमन होता है फिशर्स ऑफ सेंटोर्नी से। और यहाँ पे एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल कैसे जा रहा था? अपवर्ड और बैकवर्ड जा रहा था, जबकि बाद में जो उसका बोनी पार्ट है ना वो डाउनवर्ड और फॉरवर्ड जाता है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। और अगर हम इसे देखना चाहते हैं पूरे एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल को, कार्टिलेजनस और बोनी पार्ट दोनों को, तो फिर हमें इसे इससे एक स्ट्रेट लाइन में लाना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हम इमेजिन कर सकते हैं कि अगर हमें इसे स्ट्रेट लाइन में लाना है तो हमें पिना को अपवर्ड और बैकवर्ड पुश करना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में ये सारी जो बोनी पार्ट और कार्टिलेजनस पार्ट है वो एक स्ट्रेट लाइन में आ जाएगी। तो पोस्टीरियर सुपीरियरली अगर हम पिना को पुल डाउन करते हैं तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है। इस तरीके से हम पूरे एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल को देख सकते हैं। एग्जामिनेशन के दौरान हमें पिना को पोस्टेरियर सुपीरियरली पुल करना पड़ता है। ज़्यादा पेनफुल फोरंकल जो होता है वो लैटरल साइड में होता है और कॉन्जुलाइटली प्रेजेंट होता है। कार्टिलेजनस पार्ट बोनी पार्ट कॉन्जुलाइटली प्रेजेंट रहता है, बाद में डेवलप होता है। अब हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के बारे में देखते हैं। तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को विंडो ऑफ मिडिल ईयर बोलते हैं और यहाँ पे लैटरल प्रोसेस ऑफ मैलियस होता है, पोस्टीरियर मैलियर फोल्ड होता है, पास फ्लैसिडा होता है, अपर 1/3 में शार्पनेस मेम्ब्रेनिया पास फ्लैसिडा होता है और लोअर 2/3 में ये होता है पास टेंसा। अम्बो होता है बीच में सेंटर पार्ट में, कोन ऑफ लाइट होता है एंटेरो इन्फीरियर पार्ट में, और जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है वो हॉरिजॉन्टल से ना 55 डिग्री के एंगल पर होती है। और ये पैरामीडियन एरिया बोलते हैं इसे, जो ये रेड कलर से मार्क्ड है, और हैंडल ऑफ मैलियस होता है ऊपर में। तो ये राइट टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है क्योंकि अगर हम पेज को दो पार्ट्स में डिवाइड करें तो इसका जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का टिल्ट है वो राइट साइड में आएगा और कोन ऑफ लाइट भी जो है वो राइट साइड में ही आएगी। तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में 3 लेयर्स होती है और ये 3 लेयर्स जो है सारी 3 जर्म लेयर्स से डिराइव्ड होती है। लाइनिंग एपिथेलियम में स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम होता है, थिन एपिथेलियम। मीडियल पार्ट जो है वो मिडिल ईयर को फेस करता है क्योंकि लेटरली रहते हैं ना टिम्पैनिक मेम्ब्रेन मीडियल ईयर के। और एंटीरियर बॉर्डर फेस करती है टुवर्ड्स फेस, पोस्टीरियर बॉर्डर फेस करती है टुवर्ड्स एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, दैट इज टुवर्ड्स लेटरल होती है, मतलब थोड़ा सा लेटरल साइड में होता है। एंटीरियर वाला जो पार्ट है ना थोड़ा मीडियली होता है, पोस्टीरियर वाला पार्ट जो है वो थोड़ा लेटरली होता है क्योंकि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन थोड़ी टिल्टेड होती है ना, एंगल ऑफ 55 डिग्री होता है विथ हॉरिजॉन्टल। और ज़्यादा एक्सेसिबल पार्ट जो है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का वो पोस्टीरियर पार्ट होता है सिंस मोर लेटरल होता है ना वो। विच ऑल ऑफ इंटीरियर ऑडिटरी कैनाल
एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल इज लॉन्गर, द एंटीरियर वॉल लॉन्गर होगी, पोस्टीरियर वॉल जो है वो ज़्यादा लेटरल है, तो पोस्टीरियर वॉल तो शॉर्ट हो गई इसीलिए एंटीरियर वॉल ही लॉन्गर है। और ये टेंटेड होती है, सेंटर में टेंट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं सेंटर में, मैनी मेम्ब्रेन जिसको बोलते हैं अम्बो। नॉर्मल कलर जो है ये अपीयरेंस सिम्पैथेटिक मेम्ब्रेन का वो पर्ली वाइट होता है या पर्ली ग्रे और ट्रांसलूसेंट होता है, पूरा ट्रांसपेरेंट नहीं होता, थोड़ा वाइटिश टाइप का होता है। चिल्ड्रन में जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है ना बहुत छोटा होता है क्योंकि उसमें सिर्फ कार्टिलेजनस पार्ट होता है, तो पेरेंट्स ये कंप्लेंट लेके आ सकते हैं कि चाइल्ड के ईयर में पर्ल आ गया है करके, क्योंकि वो वाइटिश टाइप का दिखेगा। तो इसे हमें यही बोलना है कि कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं है, ये सब नॉर्मल है। होल इफेक्टिव वाइब्रेटरी एरिया जो है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का वो 55 मिलीमीटर स्क्वायर का होता है, जैसे कि हम एंगल देखें तो 55 डिग्री का हॉरिजॉन्टल के साथ बनाता है, वैसे ही इसका होल वाइब्रेटरी एरिया भी जो होता है 55 mm स्क्वायर का ही होता है। लोअर 2/3 जो है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का उसमें सारे लेयर्स वेल डेवलप्ड होते हैं, फाइब्रस लेयर भी वेल डेवलप्ड होता है बहुत ही ज़्यादा, इसीलिए मीजोडर्मल लेयर या मिडिल ईयर लेयर बोलते हैं, मिडिल ईयर लेयर जो होता है ना वो फॉर्म करता है लोअर 2/3। तो इसके अराउंड पूरे ऑल अराउंड दिस फाइब्रस लेयर एक थिक वो फॉर्म हो जाता है, थिक पार्ट फॉर्म हो जाता है, फाइब्रस लेयर थिकन हो जाता है जिसको हम बोलते हैं फाइब्रस एन्यूलस। तो ये फाइब्रस एन्यूलस फिर फिक्स होता है बोनी डिप्रेशन में जो कि होता है बोनी सल्कस, वहाँ पे फिक्स होता है और इसकी वजह से ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को टेंस बनाता है, इसको हम पास्ट टेंसा बोलते हैं इसलिए। अब दूसरा होता है पास्ट फ्लैसिडा, पास्ट फ्लैसिडा अपर 1/3 में आएगा, तो अपर 1/3 में फाइब्रस लेयर वेल डेवलप नहीं होता है इसलिए अपर पार्ट को वो फ्लैसिड बना देता है, इसलिए वो ज़्यादा मोबाइल होता है। मोस्ट कॉमन साइट जो रिट्रैक्शन पॉकेट की वो पास्ट फ्लैसिडा में होती है क्योंकि वो ज़्यादा मोबाइल होता है। अम्बो का जो पार्ट, अम्बो जो है फ्लास फैसिटा का ही पार्ट है और टिप ऑफ हैंडल ऑफ मेलियस उसमें अटैच्ड रहती है, और कोन ऑफ फ्लाइट जो है अम्बो से जाके ना एंटीरियर एंटेरो इन्फीरियर क्वाड्रेंट तक रहती है, अम्बो से निकलती है वो और अप टू एंटेरो इन्फीरियर क्वाड्रेंट रहती है क्योंकि ऑब्लिकिटी है ना टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में, इसलिए वो कुछ इस तरीके से रहती है, वो भी टिल्टेड रहती है कोन ऑफ फ्लाइट। अब कौन सा पार्ट मोबाइल होता है, सेंटर या पेरीफेरी, पैरामीडियन पार्ट मोबाइल होता है जो कि यहाँ पे लेबल किया गया था इस डायग्राम में रेड कलर से, वो पार्ट ज़्यादा मोबाइल होता है यानी कि सेंटर वाला पार्ट। एक्चुअली उसे पैरामीडियन पार्ट ही बोलेंगे, सेंटर नहीं बोलेंगे। मेजर पार्ट ऑफ पिना जो है ना एक नर्व से सप्लाई होता है, दैट इज ग्रेटर ऑरिक्यूलर नर्व C2 and C3। अब हम देखते हैं एक्चुअल टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का एरिया कितना होता है, टोटल सरफेस एरिया को कितना होता है 90 mm स्क्वायर का होता है, और इफेक्टिव वाइब्रेटरी एरिया कितना होता है 55 mm स्क्वायर। अब हम ये कैसे जानेंगे कि राइट है या लेफ्ट टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, जब अगर हमें पिक्चर दे दी जाए, पेशेंट हमारे सामने नहीं है और हमें सिर्फ पिक्चर से कुछ सॉल्व करना है, ऑनलाइन कुछ सॉल्व करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं। जैसे कोविड के टाइम में बहुत सारे लोग पिक्चर्स ही दे रहे थे डॉक्टर्स को, तो उस कंडीशन में हम देखते हैं, तो उस कंडीशन में ना हमको टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की टिल्ट देखना है कि किस साइड वो टिल्ट है, अपर साइड में, तो लेफ्ट एंड राइट में हमने पेज को डिवाइड कर लिया, फिर अपर टिल्ट हमने देखी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की। अगर राइट साइड है तो हमें कोन ऑफ फ्लाइट से भी वेरीफाई करना है, कोन ऑफ फ्लाइट भी राइट साइड में होना चाहिए, ऑलवेज वो सेम डायरेक्शन में ही होता है कोन ऑफ फ्लाइट और अपर टिल्ट। और कोन ऑफ फ्लाइट किस में होता है, एंटेरो इन्फीरियर पार्ट में होता है। तो अब हमें अपर टिल्ट पता चल गया, तो राइट साइड का ये तो पता चल गया, अब कोन ऑफ फ्लाइट को हम देख के ये बता सकते हैं कि एंटीरियर पार्ट कौन सा है, पोस्टीरियर पार्ट कौन सा है, क्योंकि कोन ऑफ फ्लाइट एंटेरो इन्फीरियर में है तो एंटेरो इन्फीरियर वो हो गया, नेक्स्ट दूसरा जो लेफ्ट साइड वाला पार्ट है वो पोस्टीरियर पार्ट हो गया। तो ये इस तरीके से हम उसका पूरा डायरेक्शन पता कर सकते हैं, ओरिएंटेशन। तो ये राइट टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की पिक है और ये राइट को फेस कर रही है, इसलिए हम जा सकते हैं एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट्स ऑफ मिडिल ईयर। मिडिल ईयर के भी सेम ही होंगे जैसे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के एंटीरियर पोस्टीरियर पार्ट है। तो फर्स्ट थिंग क्या है, कौन सी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है ये हमें देखना होता है। लेफ्ट टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कुछ ऐसी दिखेगी, इसमें कोन ऑफ लाइट लेफ्ट साइड का है, अपर टिल्ट भी लेफ्ट साइड में है,
एंटीरियर पार्ट लेफ्ट साइड में, पोस्टीरियर राइट साइड में, क्योंकि एंटीरियर पार्ट में कोन ऑफ लाइट है ना, तो कोन ऑफ लाइट लेफ्ट साइड में, इसलिए एंटीरियर पार्ट भी लेफ्ट साइड में है। तो तीन लेयर्स जो होती है ना टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की, वो आउटर एपिथेलियल लेयर एक्टोडर्म से फॉर्म होती है, मिडिल फाइब्रस लेयर मेसोडर्म से फॉर्म होती है, और इनर म्यूकोसल लेयर होती है वो एंडोडर्म से फॉर्म होती है। तीन जर्म लेयर से फॉर्म होती है। थिकनेस जो है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का वो 0.1 mm होता है। तो ये सारा था एनाटॉमी ऑफ एक्सटर्नल ईयर के बारे में एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।